हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है। और मैं आपका फ्रेंड रवि तिवारी फिर से लेकर आया हूं एक नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में एपिसोड 5th का मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। इसमें हम लोग कोकोनट को कलर से ड्रॉ करके देखेंगे तो कैसा लगता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन साथ में जरूर दबा देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कोकोनट आप लोगों को कलर में करके ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं, तो इसमें हम लोग कलर पेंसिल से ड्रॉ करके इसको करने वाले हैं। कलर पेंसिल ही हम लोग इसमें करेंगे, और कलर पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूं स्टेडलर की, ठीक है। स्टेडलर वाटर पेंसिल कलर यूज़ कर रहा हूं, तो वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हो अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं से भी, जहाँ से आपको सूटेबल लगे आप वहाँ से कर लेना। तो बेसिकली इसमें मैं जो कलर कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, मैंने सेम ये इसमें ड्रॉ करने का जो टेक्निक है वो मेरा सेम वैसी पुरानी वीडियो की तरह है जो मैंने आपको ब्लैक एंड वाइट में करके बताया था। तो ड्रॉ करने के लिए इसलिए मैंने डायरेक्ट कलर से स्टार्ट किया है इस वीडियो में, और इसमें भी सेम मैंने वैसी पेंसिल जो हमारा पेन था, जो पेन चलता नहीं है वो, उससे मैंने मार्क किया हुआ है। और उसके बाद सेम वही टेक्निक मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने ब्लैक एंड वाइट में किया था, और इसमें भी मैं वही टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जो कलर का वेरिएशन है वो आप लोगों को समझना जरूरी है। इसमें सबसे पहले मैंने डार्क ब्राउन इसमें चलाया पूरे पे, उसके ऊपर से हल्का मैं लाइट चला रहा हूँ, और बल्कि मैंने उसमें क्या करा था, उसमें उल्टा किया था, है कि नहीं। इसमें मैं लाइट इसलिए चला रहा हूँ ताकि जो हमारा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो कोकोनट होता है वो थोड़ा सा लाइट ही होता है, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं होता है वो, और उसकी जो जब हम उसको देखते हैं तो जो उसका रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी मतलब ब्राइट सा आता है। तो इसके लिए ही मैं ये कर रहा हूँ ऐसे कि लाइट करके, और उसके ऊपर से वाइट चला रहा हूँ वाइट से, ताकि हमारा जो डार्क कलर है और लाइट कलर है वो आपस में मिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, डार्क ब्राउन कलर जो है उसको चला रहा हूँ, ताकि जिस साइड से हमारा रिफ्लेक्शन आता है तो, और जो अदर वाली साइड है वो थोड़ी डार्क हो जाए। तो इसके लिए मैं ये वाला कलर इसमें चला रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये ब्राउन के सारे शेड हैं, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये वीडियो के थ्रू आप इस नई टेक्निक को सीख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन साथ में जरूर दबा दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आर्टिस्ट रवि तिवारी के नाम से, और फेसबुक पे मेरा पेज भी आर्ट फ्रॉम द हार्ट, तो उस पर भी मैं ये सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। मेरी जो भी ड्राइंग्स होती हैं या जो भी अपडेट्स होती हैं क्या करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर करता रहता हूँ, तो आप उससे भी कनेक्ट हो जाइएगा, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना और पेज भी लाइक कर देना, जिससे कि हम लोग और अच्छे से कनेक्ट हो सकें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा कोकोनट का है ये पूरा शेप अच्छे से ले रहा है। अभी भी जो हमारी ड्राइंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारा शेड है वो कंप्लीट नहीं हुआ। हमने एक शेप तो दे दी है नॉर्मल, अगर मैं कहूँ कि कोकोनट बनाना है तो वो ईजिली वैसे ही बनाता है कोई भी अगर बनाए तो। बट मेन पॉइंट कहाँ होता है, मेन पॉइंट होती है हमारी शेडिंग का, कि शेडिंग में कैसा लगता है वो, हमारे जो रेशेज होते हैं वो सारी चीज़ें। आप देख रहे हैं कि पहले मैं डार्क कर रहा हूँ, उसके बाद से लाइट की हेल्प से उसको मिक्स कर दे रहा हूँ, फिर मैं 10B पेंसिल का भी, इसमें भी मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हमको थोड़ा सा डार्कनेस वाला एरिया है जो है वो दिखे। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे मुझे डार्क करना है वहाँ पे तो डार्क है, और जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ थोड़ा लाइट होता है, तो वो चीज़ भी हमने इसमें करी है ताकि वो कोकोनट की जो शेप है प्रॉपर वैसी ले पाए। और जो ये जो हाफ हमारा कोकोनट, तो फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं सेम वही टेक्निक इसमें भी यूज़ कर रहा हूँ। और जो ये हमारा पेपर है, ये पेपर हमारा है 300 GSM का पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोल्ड प्रेस पेपर यूज़ कर रहा हूँ। तो कोल्ड प्रेस पेपर, हॉट प्रेस पेपर क्या होता है ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों को बना के दिखा दूँगा, और मेन अभी हमारा फोकस कोकोनट पे रहेगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपको बेसिकली क्या करना है, जो पेन है हमारा, पेन से आपको सबसे पहले आपको खाली पेन इस पर चलाना है, ताकि वो रेशेज और वो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएँ, ताकि हम जब कलर करें तो रेशे हमारे वो दिखे, जो डेप्थ है जहाँ जहाँ पे हमने पेन चलाया होगा वहाँ पे कलर चलेगा नहीं, और जो हमें चाहिए जो मतलब कोकोनट जिस टाइप का दिखता है वैसा ही दिखेगा ये, है ना। और अब आप इसमें देख सकते हैं, जब ये मैंने ब्राउन कलर कर दिया है, डार्क वाला पहले किया फिर लाइट वाला किया, फिर उसके ऊपर मैंने डार्क वाला कलर किया है, और इसके ऊपर मैं 10B पेंसिल से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये आपको थोड़ा, आप जब इसको करोगे ना तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। आप साथ में लेके अगर बैठेंगे तो आपको ज़्यादा आपको सही से पता चलेगा, क्योंकि कोई चीज़ जब तक हम नहीं करते तब तक हमें कोई भी चीज़
समझ में भी नहीं आती और हम कर भी नहीं पाते। तो इसीलिए आप ये जो वीडियो देख रहे हो तो साथ में ड्राइंग कॉपी लेके बैठें और साथ के साथ आप करते जाएं, जिससे कि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपने जो ये वीडियो देखी और जो इतना टाइम आपने 6 मिनट 6 मिनट या 7 मिनट की जितने भी मिनट की वीडियो है तो आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो ना टाइम, तो जब आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलना चाहिए। तो आप साथ में लेकर बैठिए और इसको ड्रॉ भी करिए, ताकि आपको एक नई टेक्निक का भी पता चलेगा और किस तरीके से हमको यूज़ करना है वो चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। और अब आप ये देख सकते हैं कि कोकोनट का मैं अंदर वाला ही पोर्शन बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कोकोनट वाले पार्ट वन में बताया था, है ना, कि ये अंदर वाला हम लोग किस तरीके से ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई थी। तो अगर आपने वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो और अब हम करते हैं इसमें शेडो पे वर्क। तो आप देख सकते हैं कि शेडो जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया और हमारा जो कोकोनट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कोकोनट बनाना सीख सकते हैं, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और आप लोग ड्राइंग की प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहें जैसे आप लोग कर रहे हैं, और आप लोग का वर्क आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग, तो ऐसे ही आप लोग काम करते रहिए और ये जो एपिसोड है ऐसे ही आते रहेंगे। और कुछ भी आप लोगों के डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं।